सामान्य दृष्टि से हम देखते हैं तो सब बंधन दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब दिव्य भावना होगी तो वही चिन्मय स्वरूप सामने प्रकट हो जाएगा जो स्वामी हरदास जी के सामने प्रकट था, जो रूप गोस्वामी जी ने कृपा करके राजा मान सिंह को दिखाया था, जो स्वामी हरदास जी ने कृपा करके अकबर को दिखाया था। निश्चित रूप से किन्हीं अगर रसिक महापुरुषों का संग मिल जाए ना तो धाम का और धाम की लीला का साक्षात्कार आज भी हो जाए। बहुत विलक्षण धाम है। राधा माधव के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जाते, महाप्रलय का प्रवेश भी वहां नहीं है। तो अत्रैव शांडिल्य महर्षि कह रहे हैं, अत्रैव व्रज भूमि सा यत्र तत्त्वं सुगोपितम्, यही है वो भूमि जहां आज भी नित्य लीला चल रही है, आज भी लीला हो रही है। वज्रनाभ जी महाराज ने प्रार्थना की, हे महर्षि आप बतावेंगे हमें नित्य लीला की प्राप्ति कैसे हो सकती है। बोले नित्य लीला की प्राप्ति जिन महापुरुषों को हो चुकी है उनके सानिध्य से ही तुम्हें भी वो प्राप्ति होगी। तो शांडिल्य महर्षि से वज्रनाभ जी ने पूछा, नित्य लीला प्राप्त महापुरुष हमें कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? भाई भगवत कृपा ही इसमें मूल है। जब हम ब्रज भूमि में जाके सुदृढ़ भावना बल से रहते हैं, तमाम प्रकार के दोष अवगुण दिखाई देते हुए भी हमारी भावनाएं दृढ़ रहती हैं, तब उस भूमि की कृपा होती है, तब उस भूमि के रस रसिकाचार्यों की कृपा होती है और वे चाहें तो हाथ पे रख के नित्य लीला का दर्शन करा सकते हैं। इतनी सामर्थ्य उन महापुरुषों के अंदर होती है। अब देखो श्री हितरिवंश महाप्रभु जी की कृपा से श्री हरिराम व्यास जी महाराज को वृंदावन धाम का वह स्वरूप दिखाई पड़ गया था कि उन राजगुरु थे, राजा के गुरु थे हरिराम व्यास जी, मधु ओरछा के राजा मधुकर शाह के गुरु थे, सब छोड़ छाड़ के आ गए थे वृंदावन में, और हितरिवंश महाप्रभु परम रसिक महापुरुष की शरणागति ली, उसका परिणाम धाम से इतना प्रेम हो गया, इतना लगाव हो गया। एक बार राजा आए हैं उनको लेने के लिए, गुरुदेव आप चलिए, आपके बिना ओरछा की भक्ति नष्ट हो रही है। गुरुजी ने मना कर दिया, अब जो रस यहाँ मिल गया अब नहीं जा सकते। तो राजा पहुंचे हितरिवंश महाप्रभु जी के पास, आचार्यवर आप अगर इनको आज्ञा दे दें तो ये जा सकते हैं, आप इनको आज्ञा दीजिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं आत्म कल्याण श्रेष्ठ है या लोक कल्याण श्रेष्ठ है। तो हरिवंश जी ने कहा लोक कल्याण ज्यादा श्रेष्ठ है।
तो फिर आप हमारे गुरुजी को आज्ञा दीजिए, वे यहाँ रह रहे हैं तो उनका आत्म कल्याण हो रहा है, और अगर ओरछा चले जाएंगे तो उनका लोक, उनके द्वारा लोक कल्याण, पूरे ओरछा का कल्याण होगा। हरिवंश जी ने कहा ठीक है आने दो, उनको हम कह देंगे। इधर किसी ने जाके कह दिया, हरे राम व्यास जी आज तो आपको ओरछा जाना पड़ेगा, गुरु जी आज्ञा दे देंगे। हरे राम व्यास जी को उसी समय इतना विरह हो गया, इतना विरह हो गया, दौड़ के आए, गुरुदेव गुरुदेव ऐसा क्या अपराध मेरे से हो गया, क्या गलती मेरे द्वारा हो गई जो आप मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं। गुरु जी ने कहा हरे राम व्यास जी भगाना नहीं चाहते, पर हम चाहते हैं कि यहाँ रहने से तो तुम्हारा अपना कल्याण हो रहा है, धाम में जाओ अपने ओरछा राज्य में जाओगे तो कितने लोगों का कल्याण कर सकोगे। तो हरे राम व्यास जी ने कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा है तो मैं चला तो जाऊंगा, एक बार मुझे अपने भाई बंधुओं से तो मिलने की आज्ञा दे दीजिए। हरिवंश महाप्रभु जी ने कहा ठीक है तुम अपने भाई बंधुओं से मिल लो फिर चले जाओ। तो हरे राम व्यास जी महाराज वृंदावन के एक एक वृक्ष और एक एक लता से लिपट लिपट कर रोने लगे, और उन्होंने वहां पद गाया वृंदावन के रूख हमारे मात पिता सुत बंधु, यहाँ के वृक्ष यहाँ के खगमृग पशु पक्षी ही हमारे माता पिता बंधु बांधव स्वजन सब कुछ हैं, एक एक वृक्ष से लिपट लिपट के रो रहे हैं। दो चार दिन हो गए, गुरु जी ने कहा हरिराम व्यास जी अब तो चले जाइए, मिल लिए अपने भाई बंधुओं से। तो बोले गुरुदेव अभी तो दो चार भाई बंधुओं से मिला हूं, अभी तो बहुत सारे भाई बंधु बचे हुए हैं। तो गुरुदेव समझ गए कि ये तो ब्रज के हर एक लता वृक्ष से लिपट लिपट कर रोएंगे और सारा जीवन ऐसे रो रो के यहीं बता देंगे। अब कोई वहां कोई वृक्षों की गिनती थी क्या ब्रज में, तो इतने वृक्ष थे अपार सघन वृक्षावली। तो हरिवंश महाप्रभु जी के पास मुंह पे कालक पोत के सारा मुंह काला करके आए। गुरुदेव ने कहा अरे हरे राम जी ये क्या आपने कर लिया, मुंह काला कर लिया। बोले गुरुदेव जब संसार छोड़ के आया था तब तो मुंह गोरा हो गया था, अब फिर छोड़े हुए संसार में फिर जाना पड़ रहा है तो मुंह काला ही तो होगा, तो काला होगा इसके पहले ही काला कर लिया है। हरिवंश महाप्रभु समझ गए कि व्यास जी की धाम के प्रति बड़ी अपार निष्ठा है, इसलिए ये जाएंगे नहीं तो इनको ऐसी आज्ञा भी नहीं देनी चाहिए। उन्होंने मना कर दिया, बोले हरे राम जी आपको कोई नहीं कहेगा आज के बाद ब्रज से बाहर जाने के लिए, आप यहीं रहिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। ऐसे अपार प्रसन्न हो गए, ऐसे फूट फूट के गुरु के चरणों में गिर के रोने लगे बिलक बिलक के, मानो प्राण का संचार शरीर में हो गया, कोई अमूल्य निधि उनको मिल गई हो। ऐसी ऐसी निष्ठाओं से ऐसी ऐसी भावनाओं से आज भी वहां महापुरुष रह रहे हैं, हुए नहीं हैं आज भी हैं, और किसी की क्या कहें, हमारे परम पूज्य गुरुदेव अनंत श्री संपन्न परम श्रद्धे श्री श्री रमेश बाबा जी महाराज, जिनको आज पिछले 65 वर्षों से आज तक ब्रजभूमि के बाहर नहीं गए वो महापुरुष, आज तक बाहर नहीं गए। कुछ रस कुछ अनुभूति कुछ आनंद कुछ तो मिला ही है जिसके कारण वह भूमि छूटती नहीं है, अखंड निवास अखंड क्षेत्र संन्यास लिए उस भूमि में, बस इसी भावना से पड़े हुए हैं, उनकी भावना है यही करुणा करना करुणामयी मम अंत होए बरसाने में, पावन गहवर वन कुंज निकट रज में रज होए मिलूं ब्रज में, ये उनकी रचना है उनकी भावना है। आज भी इन भावनाओं से वहां अनेकानेक दिव्यात्मा रह रही दिव्य विभूतियां रह रही, इसलिए धाम में कभी भी जाएं धामनिष्ठ महापुरुषों का संग जरूर करें जिससे धाम का प्रेम मिले। भागवत जी में ये बात लिखी है पुण्य तीर्थ निषेवणा शुश्रूषो शब्द धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणा, धाम में जब भी जाएं तो कहां सुख है कहां सुविधा है कहां बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था है ये न देखकर
स्यान महत सेवया, यहाँ महापुरुष कहाँ है, यहाँ धाम के प्रति निष्ठा से रहने वाले महात्मा कहाँ है, महजन कहाँ है, उनके निकट जाना चाहिए। उनके क्षणिक संग से वह प्रेम वह रस धारा मिल जाएगी जिसको जीवन भर रहकर उन्होंने संजोया है, जीवन भर रहकर बड़े श्रम के साथ जिन्होंने प्राप्त किया है। वो उनके संसर्ग में जाने मात्र से, क्षण मात्र से वो प्रेम मिल सकता है, क्षण मात्र से वो धाम के प्रति वो भावना मिल सकती है। इसलिए एक बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं दयाजी महाराज, इसी सदी के महापुरुष, उनका बहुत सुंदर एक भाव है। यूं तो है सारे ही ब्रज में तेरी लीला का प्रताप, पर अनोखी प्रेम धारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। हर लता हर पात पर है तेरी दया की वो झलक, हर घड़ी यशुमति दुलारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। तो वो अनोखी धारा, वो अनोखा प्रेम रस जिसको संजोकर रखने वाले महापुरुष आज भी इस भूमि में है, आज भी। इसलिए जब भी धाम में जाएं तो धाम के रसिक जनों का अवश्य संसर्ग संग किया जाए। खा पी के चले आए, मौज मस्ती करके घूम फिर के इससे क्या लाभ मिलेगा। शांडिल महर्षि ने भी बज्रनाभ जी को कहा, बज्रनाभ जी नित्य लीला तो आज भी हो रही है, पर जब तक किसी ब्रज रसिकाचार्य का संग नहीं मिलेगा तब तक उस लीला के अनुभव नहीं होगा। तो श्री बज्रनाभ जी महाराज ने बहुत विनम्रता पूर्वक पूछा है, उन महापुरुषों का संग कैसे प्राप्त हो, उसके लिए क्या किया जाए, आप कृपा पूर्वक बतावें। बोले धाम में रहो, धाम की सेवा करो। तो धाम की क्या सेवा करें, तो शांडिल्य महर्षि ने कहा है, नद्यद्रि द्रोणी कुंडादि कुंजान संसेवतस्तव। वज्रनाभ जी, ब्रज की नदियां, ब्रज के पर्वत, ब्रज के कुंड, ब्रज के सरोवर, ब्रज के वन उपवन, इनकी सेवा करने से यानी धाम की सेवा से ठाकुर जी की नित्य लीला में प्रवेश प्राप्त हो जाएगा। तो उस समय सारा जो धाम था, इससे पता चलता है कि सारा धाम उस समय लुप्त हो गया था। भगवान के जाते ही जो ब्रज भूमि थी उसने अपने स्वरूप को छिपा लिया था। तब शांडिल्य महर्षि ने आज्ञा दी, फिर से तुम ब्रज की नदियों का, कुंज वनों का, उपवनों का, पर्वतों का, कुंडों का फिर से प्राकट्य करो, प्रकटीकरण करो। तो वज्रनाभ जी ने कहा, हे महर्षि, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से तट पर कौन सी लीला हुई है, किस कुंज में किस पर्वत पर क्या लीला हुई है, ये मुझे ज्ञान कैसे होगा। तो शांडिल्य महर्षि ने कहा, मदनुग्रहात, मेरे अनुग्रह से, मेरी कृपा से तुम जिस जिस स्थान पर जाओगे उस स्थान पर तुम्हें अपने आप लीला का स्फुरण होने लग जाएगा। वह स्थान प्रकट होके कह देगा कि इस स्थान पर ये लीला हुई है, इस स्थान पर ये लीला हुई है। और जब तुम्हें स्फुरण हो तो उस लीला के अनुसार ही ब्रज के उन उन स्थानों का नामांकन कर देना, नामकरण कर देना।
जिससे आगे आने वाले भविष्य में आने वाले ब्रज के प्रति प्रेम रखने वाले लोगों को ये ज्ञान रहे कि भाई यहाँ ये लीला हुई है। आज भी आप ब्रज में जब जाएंगे तो ब्रज के संपूर्ण गांव ठाकुर जी की किसी ना किसी लीला से जरूर संबंधित हैं। जितने गांवों के नाम है वो सब लीला पर आधारित हैं। जैसे हमारा बरसाना, जहां निरंतर रस की वर्षा हो वो बरसाना, अथवा बरसाना के पास है गांव अंजनवन आंजनों का। रास के समय गोपियां दौड़ी थी, काजल लगाना भूल गई जल्दी जल्दी में, तो वहां आंजनों गांव में एक पर्वत की शिला पर उंगली से घिसके काजल को प्रकट किया। आज भी वो अंजनी शिला है ब्रज में आंजनों गांव में, तो उसका नाम अंजनवन पड़ गया। एक गांव है खायरा बरसाने के पास ही, तो जब बकासुर ब्रज में आया बगुले के रूप में तो श्याम सुंदर को निगल गया था बकासुर। तो जितने ग्वालवार थे सब चिल्लाए, अरे खायो रे खायो रे खायो रे, तो गांव का नाम खायरो पड़ गया। वृंदावन के पास एक गांव है कोयलो। जब वसुदेव जी यमुना पार करके जा रहे थे, यमुना जी बहुत बड़ी हुई थी, तो अब वसुदेव जी डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं कि हमारा लाला डूब ना जाए। तो वसुदेव जी के हाथ में बालकृष्ण लाल थे, चिल्लाए अरे कोई लो कोई लो कोई लो, कोई मतलब लाला को ले लो कहीं डूब ना जाए। तो आज भी गांव का नाम कोयलो है। राजस्थान प्रांत में गांव खो, ठाकुर जी रासलीला के बीच में से जब गायब हो गए अंतर्धान हो गए, तो आज भी उस गांव का नाम खो है, मतलब ठाकुर जी खो गए, आज भी गांव का नाम खो है। ऐसे ब्रज के सैकड़ों गांव, प्रायः प्रायः सभी गांव, यद्यपि मुगल आक्रमण के बाद यवन आक्रमण के बाद बहुत सा परिवर्तन उस भूमि में भी हुआ, क्योंकि अत्याचार का केंद्र बनी वो भूमि, इतना अत्याचार हुआ उस भूमि पर, बहुत परिवर्तन हो गया, किंतु फिर भी बहुत कुछ जहां जहां जो जो लीलाएं हुई हैं वो सब गांव वो सब स्थान उस लीला से कुछ ना कुछ उनका संबंध उनके नाम से ही ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि ये आज्ञा शांडिल्य महर्षि ने बज्रनाभ जी को दी है, बज्रनाभ जी जहां जहां भी हमारी जो जो लीलाएं हुई हैं उन सब स्थानों का नामकरण हमारी लीलाओं के आधार पर होना चाहिए, ठाकुर जी की लीलाओं के आधार पर होना चाहिए। तो भाई भूमि तो नित्य है सनातन है, समय समय पर कालक्रम से विलुप्त हो जाती है, फिर श्री ठाकुर जी किसी विशेष विभूति को भेजते हैं जिनके द्वारा ब्रज का फिर से उन उद्धार होता है, प्राकट्य होता है। जैसे भगवान जब चले गए तो बज्रनाभ जी ने ब्रज का उद्धार किया, फिर ब्रज भूमि फिर विलुप्त हो गई, फिर लुप्त हो गई। तो आज से 550 साल पहले एक महापुरुष हुए, हमारे बरसाना के बगल में ऊंचा गांव है ललिता सखी का गांव, नारद जी ही नारायण भट्ट देवाचार्य जी के रूप में आए हैं आज से 550 साल पहले। तो नारद जी आए नारायण भट्ट देवाचार्य जी के रूप में, और उन नारायण भट्ट देव जी के द्वारा ब्रज भूमि का फिर से उद्धार हुआ। बरसाना, नंदगांव, मथुरा, महावन, दीर्घपुर, ये सब नारायण भट्ट देव जी के द्वारा, बज्रनाभ जी महाराज के द्वारा सब बसाए हुए और फिर से प्रकट किए गए स्थान हैं। तो भगवान विभिन्न रूपों में आते हैं, विभिन्न अवतार ग्रहण करते हैं। जैसे धर्म की रक्षा के लिए कभी किसी रूप में आए, कभी किसी अवतार में आए। श्री ठाकुर जी का एक अवतार और है जिसको कहा है अर्चावतार। कलयुग में धर्म की रक्षा भगवान का अर्चावतार करता है। अर्चावतार क्या है? महापुरुषों के द्वारा जो श्री ठाकुर जी के विग्रह प्रकट किए गए हैं, जैसे रूप गोस्वामी जी ने गोविंद देव जी को प्रकट किया, तो गोविंद देव जी अर्चावतार है, सिद्ध विग्रह, किसी मूर्तिकार ने किसी शिल्पकार ने नहीं बनाया है। मदन मोहन सनातन गोस्वामी जी के द्वारा मदन मोहन जी प्रकट हुए, तो वो अर्चावतार है। अथवा मधु गोस्वामी जी के द्वारा गोपीनाथ जी प्रकट हुए, वो अर्चावतार है।
स्वामी हरदास जी के द्वारा बांके बिहारी प्रकट हुए, अर्चावतार है। हरिवंश महाप्रभु जी के द्वारा राधा वल्लभ जी प्रकट हुए, अर्चावतार है। गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा राधा रमण जी प्रकट हुए। किन्हीं विशेष महापुरुषों के द्वारा जब श्री ठाकुर जी किसी विशेष विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, उस अवतार को अर्चावतार कहा जाता है। वो भी एक अवतार है भगवान का। अवतारा या संक्षेप, भगवान के बहुत से अवतार हैं, उन अवतारों में अर्चावतार भी एक अवतार है। कलियुग में अर्चावतारों के द्वारा ही